JNU देश की राजधानी के बीचों बीच स्थित एक हरा भरा कैंपस जो अपनी पढ़ाई रिसर्च के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। वो यूनिवर्सिटी जो देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी की लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहती है। हमारे पास आप लोगों के खूब सारे मैसेज आए थे कि कभी JNU के बारे में बताइए, यहाँ किस तरह के कोर्स होते हैं और कैसे एडमिशन मिलता है। तो आज हम आपके सारे सवालों का जवाब लेकर आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है फातिमा जहरा और आप देख रहे हैं रंगरूट। आज बात होगी देश के सबसे मशहूर विश्वविद्यालय की। यहाँ कैसी होती है पढ़ाई, कितने कोर्स की पढ़ाई कराई जाती है, कैसे मिलता है एडमिशन, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात JNU की शुरुआत की। 1960 के आसपास की बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा था, जैसे स्टूडेंट की तेजी से बढ़ती संख्या, नए नए खुलते कॉलेज, फंड की कमी वगैरह वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर प्रेशर था और यूनिवर्सिटी का प्रशासन चरमरा सा गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस स्थिति को देखते हुए UGC के कई मेंबर्स और तत्कालीन चेयरमैन CD देशमुख को लगा कि साउथ दिल्ली में एक सेकंड कैंपस इन समस्याओं को फौरी तौर पर हल कर सकता है। 1962 में जब CD देशमुख दिल्ली यूनिवर्सिटी के VC बने तो उन्होंने इस पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया। उस समय आइडिया ये था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को दो भागों में बांट दिया जाए। UGC ने बकायदा एक प्लान बनाकर एजुकेशन मिनिस्ट्री को भेज दिया। 1963 में मिनिस्ट्री ने प्रपोजल पर और विस्तार से काम करने के लिए एक कमेटी बनाई। तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला ने इस यूनिवर्सिटी के बारे में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बात की और कहा कि दिल्ली बढ़ रही है और अब इसे एक दूसरी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। छागला के प्रस्ताव पर नेहरू सहमत थे, लेकिन जब छागला ने यूनिवर्सिटी का नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखने की बात कही तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। बल्कि उन्होंने कई सारे नामों के सुझाव दिए। नेहरू ने कहा कि इतिहास में दिल्ली को अलग अलग नामों से जाना गया है और हम इन्हीं में से किसी एक नाम को चुन सकते हैं। उन्होंने रायसीना नाम का भी सुझाव दिया। कमेटी में शामिल मेंबर्स को भी रायसीना यूनिवर्सिटी नाम पसंद आया और इसी नाम से काम शुरू हुआ। इसी बीच 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, जिसके बाद तय किया गया कि यूनिवर्सिटी का नाम रायसीना की बजाय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होगा। 24 दिसंबर 1964 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टैब्लिशमेंट बिल राज्यसभा में पेश हुआ। नेहरू की याद में बन रहे इस यूनिवर्सिटी पर खूब बहस हुई, जिसके बाद तय किया गया कि रेगुलर यूनिवर्सिटी शुरू करने की बजाय एक हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट शुरू किया जाए, जहां नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई हो। 1966 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक्ट संसद में पास हुआ और साल 1969 में इसकी स्थापना हुई। JNU के स्थापना से जुड़ी ये कहानी हमें मिली नीलाद्री भट्टाचार्य की किताब JNU स्टोरीज से। ये तो हो गई इतिहास की बात, अब वर्तमान पर आते हैं। JNU देश की सबसे प्रीमियम यूनिवर्सिटीज में से एक है, जो अपनी विश्व स्तरीय पढ़ाई और रिसर्च के लिए जाना जाता है। JNU भारत का पहला विश्वविद्यालय था जिसने विदेशी भाषाओं से कोर्स शुरू किए थे। JNU की स्थापना में नेहरूवादी उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, जीवन का लोकतांत्रिक तरीका, अंतर्राष्ट्रीय समझ और समाज की समस्याओं के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ध्यान रखा गया, जिसे कैंपस में लागू भी किया गया। अपनी स्थापना के बाद JNU ने देश में अब तक चली आ रही यूनिवर्सिटीज़ परंपरा में काफ़ी बदलाव किए हैं। इस विश्वविद्यालय में छात्रों को आगे बढ़ने पर जोर दिया गया ताकि वे आने वाले समय में हर चुनौतियों का सामना कर सकें। इसलिए यहां कॉन्वेंशनल कोर्सेज के साथ अलग अलग कोर्सेज की पढ़ाई कराई जाती है। इसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स भी उपलब्ध हैं। JNU से पढ़कर निकले छात्रों की बात करें तो पूर्व महिला विकास मंत्री मेनका गांधी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री S. जयशंकर, लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री अली जैदान, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी समेत कई मशहूर नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल JNU में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है?
जेएनयू में पढ़ने के लिए हर साल भारत ही नहीं बल्कि विदेशी स्टूडेंट भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अलग अलग कोर्स में करीब 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के करीब 600 फैकल्टी मेंबर हैं। जेएनयू की खासियत है कि जिन कोर्स की फीस दूसरे विश्वविद्यालयों में हज़ारों में है, वहीं जेएनयू में सिर्फ नाम मात्र की फीस ली जाती है। जेएनयू में रिसर्च ओरिएंटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। अब ये जान लेते हैं कि जेएनयू में किस तरह की पढ़ाई होती है। जो लोग जेएनयू से पढ़ाई करने का सपना देखते हैं, वो जेएनयू से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमफिल, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि ग्रेजुएशन के तौर पर आप जेएनयू से सिर्फ लैंग्वेज की ही पढ़ाई कर सकते हैं। जेएनयू की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर कई सालों से अलग अलग देशों की लैंग्वेज की पढ़ाई करवाई जा रही है। विदेशी लैंग्वेज के प्रोफेशनल की देश विदेश में अच्छी खासी डिमांड रहती है। जेएनयू में सिर्फ लैंग्वेज की शिक्षा ही नहीं बल्कि यहाँ पर रिसर्च की भी बेहतर सुविधाएं हैं। जेएनयू में पर्शियन, अरेबिक, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, फ्रेंच, जर्मन, रशियन और स्पेनिश भाषा में बैचलर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जेएनयू से एमए की पढ़ाई करना चाहते हैं तो एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज, एमए इन मॉडर्न हिस्ट्री, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज, एमए इन उर्दू, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेज, एमएससी इन लाइफ साइंसेज आदि में आप एमए कर सकते हैं। इसके अलावा जेएनयू में अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2 साल का एमबीए प्रोग्राम भी ऑफर करता है। साथ ही आप लैंग्वेज में मास्टर्स भी कर सकते हैं। बाकी प्रोग्राम की लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जेएनयू से पीएचडी या एमफिल करना चाहते हैं तो अफ्रीकन स्टडीज़, एशियन हिस्ट्री, चाइनीज स्टडीज़, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंटरनेशनल लीगल स्टडीज़, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल स्टडीज़ समेत 75 विषयों में आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो एडवांस डिप्लोमा इन मास मीडिया इन उर्दू, एडवांस डिप्लोमा पश्तो, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन भाषा इंडोनेशिया, डिप्लोमा इन भाषा इंडोनेशिया, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मंगोलियन, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन उर्दू, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन पाली में कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि जेएनयू में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा और मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होगा। हालांकि सीयूईटी के आने से पहले जेएनयू अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता था, जिसके बाद कुछ कोर्सेज इंटरव्यू लेते थे। उन सभी को क्लियर करने के बाद ही आप जेएनयू में एडमिशन ले सकते थे। विदेशी छात्रों में जेएनयू को लेकर खासा क्रेज़ देखने को मिलता है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जेएनयू की फ़ीस और लिविंग कॉस्ट बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। इसके अलावा जेएनयू में होने वाली रिसर्च की पढ़ाई का देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोलबाला है। इसलिए ज़्यादातर विदेशी छात्र जेएनयू में पढ़ने के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप भी जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके अलावा कुछ कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए मौखिक परीक्षा भी ली जाती है। अगर आप किसी लैंग्वेज कोर्स में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपकी संबंधित विषय में अच्छी पकड़ होना ज़रूरी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताएं, और हाँ, आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे ये भी बताएं। सुझाव और सवाल दोनों हमें लिख भेजिए rangroot@lallantop.com पर। और हाँ, हम आपके लिए एक नया चैनल भी लेकर आए हैं रंगरूट नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।